नमस्कार दोस्तों, ये जून में 52 इयर्स के हो जाएंगे, यानी 4 महीने बाकी है। ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है, विदेश में रह रहे और इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करते हैं। जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस है, वो हिसाब से मुझे लगता है इनके सन लाइन पर एक फिश लाइन है। हाँ, इनसे इंक विंक लगी नहीं है, केवल नॉर्मल फोटो आया है। तो किसी को मैं आभास हो रहा है, वो खाली बताऊंगा कि यहाँ पर अगर वो साइन होगी तो ये कोई छोटे व्यक्ति नहीं होंगे, काफ़ी बड़े व्यक्ति होंगे पैसे के मामले में। हाँ, 6-7 सालों से ये तकलीफ उठा रहे और वो लाइन पर कहाँ दिख रही है वो भी मैं बताऊंगा। और वर्तमान में तो ये काफ़ी पेन उठा रहे होंगे आर्थिक रूप से, और आगे चलकर इनका जीवन कैसा रहेगा धनरेखा को देखने की ज़रूरत है। हाँ, इनसे चाहिए वैसे फोटो आए नहीं है, एकदम कंप्लीट जो एनालिसिस होता है वैसा तो नहीं होने वाला। हाँ, इनका मकसद पहले ये था कि मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो भी चलेगा, मुझे ऐसे ही बता देना। पर जब बता दिया तो कहा कि मुझे वीडियो भी बना दो, मैं मेरे दोस्तों को भी बताऊंगा, आपको बिजनेस मिलेगा। अब सेल्समैन है व्यक्ति, बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं मीठी बातें कर ही लेता है। तो सेम चीज़ इनके साथ भी हुई। अब 3 फोटोग्राफ है, उसके अंदर जो दिख रहा है वो बताने की कोशिश करूंगा, जो आभास हो रहा है वो बताने की कोशिश करूंगा। पर इनका प्रॉब्लम, इनकी जो मेन प्रॉब्लम था, वो इनके हाथ में क्लियर कट शो हो रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से शो हो रहा है। अब रहा सवाल पैसे की साइन है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब और ऐसे लोगों के पास, जो बड़े लेवल के कामकाज वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास समय का भी अभाव होता है, ये भी साथ साथ में होता है, तो इरिटेशन भी होती है इनको, और इनको जानना भी रहता है जीवन के बारे में, दोनों चीज़ें होती है। और ये पेन कई लोगों के साथ मैं उठाता हूँ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उनको मेहनत जब करवाते हैं तो काफ़ी पेन उनको लगता है, पर जब एनालिसिस मिल जाता है तो काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। तो दोनों, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसमें कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होंगे ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। चंद्र पर्वत यहाँ से थोड़ा सा कट लग रहा है, ऐसे लोगों को बातें करने का शौक बहुत होता है, जो बातें 2 वाक्यों में होनी चाहिए वो ये यहाँ पर ये लोग 4 वाक्य या 10 वाक्य बोलते हैं, उसमें काम के होती है 2 वाक्य ही, यानी 2 सेंटेंस ही काम के होते हैं। पर इनको बातें करने का शौक जरा सा भी कट लगा यहाँ पर चंद्र पर्वत पर, तो ये स्वभाव पाया ही जाता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी स्ट्रांग है तो काम के प्रति जिद होगी। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया जाए, चुप रहने की जरूरत है चुप है। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी होती है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। फैलेंज और उंगलियां देखिए कितनी छोटी है, बहुत स्पीडी निर्णय लेते होंगे। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुँच गई है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइन है, और बुध पर्वत भी अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोगों को सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी अच्छी होती है, यानी लैंग्वेज होती है वो अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। इनके हाथ में यश साइन भी है, इनका माल इंडिया तक में आता है, भारत के कई बड़े शहरों में इनके प्रोडक्ट आते हैं। अब किस बिजनेस का है वो ना मैंने पूछा ना इन्होंने बताया। ये जब इस तरह की साइन होती है तो ये व्यक्ति को यश दिलाती है, ये भी एक खासियत है इनके हाथ में। अब जो मुझे आभास हो रहा है वो मैं इंडिकेट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, हो सकता है आप लोगों को इतनी स्पष्टता ना दिखे, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से एक लाइन निकलते हुए इस तरह से जाते हुए दिख रही है। अगर ये लाइन होगी तो 100% ये
करोड़ों अरबों का काम करते होंगे, और ये ही साइन होनी चाहिए। जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस था, जिस तरह का बात करने का लहजा था, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये साइन होगी। बाकी कोई साइन इनके हाथ में मुझे दिख नहीं रही है, और ना इनको उस तरह की मेहनत भी करनी थी ज़्यादा। और यहाँ पर ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में जीता है। यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और ये लाइन अगर टच करती होगी तो हो सकता है इनके जीवन में लव मैरिज हुआ हो। और यहाँ पर देखें तो विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। ये दो साइनें तो यहाँ पर भी शो हो रही है, देखिए एक यहाँ पर फिश साइन है और एक यहाँ पर है। अगर ये दो ही होगी तो इतना बड़े लेवल का तो काम नहीं होगा, पर ये जो मैंने इंडिकेट की है वो होगी तो 100% काफ़ी बड़े स्तर का काम इनके जीवन में रहा होगा, काफ़ी बड़े स्तर का। इनकी पूरी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर ही जा रही है। मैं वापस उसी फोटोग्राफ पर चलता हूँ। पूरी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये विदेश में ही सेटल है और वहीं कामकाज करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से हो फोर्क, तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से ये लोग बता पाते हैं, सामने वाले को अच्छी तरह से अपनी बातों को समझा पाते हैं। और फेट लाइन पर जब आऊंगा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जुपिटर माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहती है। सेकंड चीज, जुपिटर पर देखें तो एक सीधी लाइन चल रही है, ये व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देती है। अंदर मार लगी हो तो अंदर ही अंदर पता होता है, लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, ये अगर बताएंगे तो बात अलग है, यानी टिका रहता है व्यक्ति। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन है। बाकी एक दो लाइनें पैरेलल दिख रही है, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत व्यक्ति के जीवन में रहते ही पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है। इस तरह के मिस्ट्री साइंस में धार्मिकता देती है और सेवाभावी भी होते हैं। अगर ये मंगल उंगली दबाने से दबता नहीं होगा तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी, और ये अगर दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा थोड़ी सी कम रहेगी, मध्यम रहेगी। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। आपके मित्रों को आप सलाह दोगे तो कम से कम ये ध्यान में रखना टोटल प्रोसेस पामिस्ट्री का कराए, तो बहुत ज़्यादा जानकारी व्यक्ति को मिलती है, और थोड़ा सा समय निकाले फोटोग्राफी के लिए। चंद्र पर्वत कितना उभार है, विदेश से संबंध आता ही है, ऑलरेडी विदेश में ही है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते ये लोग, वैल्यू फॉर मनी, अच्छे बार्गेनर होते ये लोग, रिफाइंड सोच होती है, नया नया कार्य करने का शौक होता है। और इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है, जो इनको विदेश सेटल करवा दी, और ये फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाता है, और ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। बुध रेखा भी है इनके हाथ में, और मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुक्र पर्वत पर देखिए, ये लग्जरी की लाइन, इस तरह की लाइनें व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है, और शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति में कामुक भावना रहती है, कपड़े अच्छे पहनते, अच्छी तरह रहते, खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रखते, इनको गर्मी पसंद नहीं आती। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो शुरुआती जीवन थोड़ा सा गुस्से वाला रहा होगा इनका, और यहाँ से चलकर ये सीधी और भरोसे लायक भी रहे होंगे, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और हृदय रेखा यहाँ से डबल चालू हो रही है, ये लगभग 45 के आसपास से झंझटों भरा जीवन चालू हुआ होगा इनका, व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता,
कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ या कामकाज का बोझा लगा ही रहता है, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में ये लाइन रहती ही है, या ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पर भी एक ब्रेक यहां पर है, निकल रही है जुपिटर से, पर एक ब्रेक यहां पर भी है। ये ब्रेक के समय कोई ना कोई, ये पाम सीधा है, देखते हैं हम, ये एज 18 या 19 के आसपास जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनको डिस्टर्ब की होगी, और यहां पर माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब ज्यादा है, और ये पीरियड रहा होगा इनके जीवन का लगभग 31 से लेकर 37 तक, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव दिमाग पे रहा होगा क्योंकि इतनी अच्छी माइंड लाइन नहीं है। और उसके बाद ये सीधी चली और यहाँ फोर्क बन रहा है। देखिए आप, ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं। तो ये डबल माइंड लाइन है और ये पीरियड इनका शुरू होगा डबल माइंड लाइन का लगभग एज 52 के आसपास से। ये काफ़ी शार्प बनेंगे और इन यहाँ से इनको ग्रोथ भी मिलेगी क्योंकि डबल माइंड लाइन है। अब इनके हाथ में देखें तो एक 28 के आसपास राहु रेखा काट रही है, एक 31 के आसपास हो सकता है शादी हुई हो, एक 37 में बड़ी राहु रेखा ने काटा जो आगे चलकर धन रेखा को भी काट रही है, एक 41 में भी बड़ी राहु रेखा ने काटा, एक 45 में ऑफशूट नजर आ रहा है और छोटी सी राहु रेखा भी दिख रही है, और एक 47 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है वालदा की इनकी डेथ हुई है, और उसके बाद जीवन रेखा इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफशूट दिखाई दे रहा है, और ये एज होगी लगभग 47 और 5, 52 के आसपास, 52, 53 के आसपास कोई ना कोई सफलता भी मिलेगी इनको, और यहाँ पर भी 59 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हो सकती है, और 3 साल के बाद भी दिख रही है कोई नियर एंड डियरर की डेथ, और ये एक बहुत बड़ा ऑफशूट इनके जीवन में है। 53 पकड़े, सिक्सटी वन के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है, कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा इनको, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चल रही है। अब इनकी धन रेखा, इनका प्रश्न देखते हैं, जो मेन इनका प्रश्न था उस पर आते हैं। एक कट इनको 28-29 में लगा, एक 27 में लगा, एक 37 के आसपास या 36 के आसपास लगा। यहाँ पर इनको ग्रोथ मिली है, इसके लिए मुझे वो फिश साइन होने का आभास हो रहा है। यहाँ पर ग्रोथ भी, ये जिस तरह की लाइन है इसमें ग्रोथ मिलनी नहीं चाहिए थी, पर यहाँ पर इनको ग्रोथ मिली है, इसका मतलब वो बड़ी फिश साइन इनके हाथ में होनी चाहिए, पर एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहा होगा इनका। अब इनके जो हालत ख़राब हुई वो यहाँ से हुई, ये देखिए यहाँ से ये रेखा डिस्टर्ब होनी चालू हुई, अप टू यहाँ तक ये डिस्टर्ब है, और ये पीरियड होगा लगभग 48 या 47 के आसपास से। उसमें एक कट लगा 48-49 में, जो भारी नुकसान इनको दिया होगा क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉस है, क्रॉस में काटी ये लाइन, और यहाँ से ये लाइन फैल गई, ये देखिए यहाँ से ये लाइन फैल गई, और ये जो वर्तमान समय है 2-2.5 साल का, उसमें तो काफ़ी फैली हुई है, ये अप टू लगभग वर्तमान में 52.5 या 52 तक इनके जीवन में ये डिस्टर्बेंस दिखता है। उसके पहले भी एक कट लगा है 51 में, इसने भी नुकसान दिया होगा, और ये वर्तमान में भी एक कट है, और ये कट जाने के बाद इनके जीवन में वापस उन्नति चालू होगी। अब यहाँ से जो इनकी धन रेखा डिस्टर्ब हो रही है, ये मेरे हिसाब से इतनी उत्तम नहीं मानी जाती, पर ये साइन होगी इनके हाथ में, और ये जिस देश में रह रहे
वहाँ इस तरह की धन रेखा में प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है नॉर्थ पोल के आसपास व्यक्ति रहता है उसको इस तरह की धन रेखा में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। हाँ, ये जिस तरह की हुई, ये देखिए 2-2.5 साल तो इनके काफ़ी ख़राब जा रहे होंगे, काफ़ी ख़राब, पूरी जैसे नदी का पट फैल जाता वैसा फैल गई है ये। तो ये यहाँ पर यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, और उसके बाद अगर ये रेखा को भी हम गिने, मैं इसका उपाय भी दूंगा, पर ये नॉर्थ पोल के पास की कंट्रियों में रह रहे तो ज़्यादा इधर तकलीफ नहीं आती ऐसे लोगों को, पर कहीं ना कहीं एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहेगा और ग्रोथ, डिजायर ग्रोथ उतनी तो भी नहीं ले पाएंगे। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा, पर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे आगे दिख रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।